थाना गोवर्धन क्षेत्र के राधाकुंड छठीगिरा मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस गोवर्धन से वृंदावन की तरफ जा रही थी कि तभी तेज गति में आ रहे ट्रक ने जोरदार बस में टक्कर मार दी। वहीं ट्रक की टक्कर लगते ही टूरिस्ट बस में बैठे श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। वहीं उसकी चपेट में भूसे से भरकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली भी चपेट में आ गई। वहीं ट्रक की टक्कर से बस में सवार आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए श्रद्धालुओं को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा कर वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे। सर, जैसे कि आज एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कितने लोग घायल हुए हैं और कितना की कंडीशन चिंताजनक बताई जा रही है? ये लगभग 3:30 के आसपास हमारे पास में 108 एम्बुलेंस सेवाएं मरीजों को लेके आई थी, जिसके अंदर लगभग हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 16 मरीजों को प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के अंदर 6-7 मरीज ऐसे थे जिनको विशेषज्ञ उपचार की और राय की आवश्यकता थी। उनको तत्काल हमने प्राथमिक उपचार देने के पश्चात हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर चित्रा राजपूत ने नाइट ड्यूटी में जो की, उन्होंने तत्काल 108 की एम्बुलेंस सेवाओं प्राप्त करते हुए उनको तत्काल जिला अस्पताल मथुरा में संदर्भित कर दिया। वर्तमान में 6-7 मरीज जिला अस्पताल मथुरा में इलाज प्राप्त कर रहे हैं। सर, टोटल कहाँ के लोग बताए जा रहे हैं? ये जैसा कि उनके मरीजों के द्वारा बताया गया कि नोएडा में सेक्टर 20 के सभी लोग रहने वाले थे। ज़्यादातर इनके अंदर महिलाएं थीं, जिसमें महिला है भागत थापा, ये महिला है आपकी मादा अग्रवाल, भागत थापा और अमर जीत, इनको संदर्भित तत्काल किया गया हमारे यहाँ से, क्योंकि इनकी गंभीर चोटें थी सर में, पैरों में, हाथ में, इसलिए इनको सर्जन की आवश्यकता थी, राय की और विशेषज्ञ इलाज की।